आज़ाद नगर एमडीए कॉलोनी संभल रोड मुरादाबाद में वाक़ इमाम बारगाह के मोहम्मदिया हाल में 24 सफरुल मुजफ्फर शरीफ को नहायत अकीदत व एहतराम के साथ शब बेदारी व मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया। इमाम मेहंदी यूथ मिशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा इस नूरानी प्रोग्राम में कसीर तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की और शहीदान करबला की बारगाह में खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर शेरकोट बिजनौर से तशरीफ लाए एहतिशाम हुसैन व हमनवाओं ने सोसफानी की, जबकि अंजुमन परचम इस्लाम आज़ाद नगर मुरादाबाद, अंजुमन मकसद शब्बीर सिरसी, अंजुमन गुलदस्ते हैदरी सिरसी, अंजुमन परचम अब्बास रामपुर और अंजुमन यादगार हुसैनी नौगावा सादात समेत मुख्तलिफ मकामी व बैरूनी अंजुमनों ने सीना जनी व मातम किया। लीजिए पेश हैं कुछ मनाजिर। इस मौके पर आशिक़े अहले बैत अब्बास ज़ैदी ने इस प्रोग्राम के बारे में मीडिया के नुमाइंदों को तफसीली मालूमात देते हुए बताया। कौन कौन सी बपा हुई वहाँ पे महमनवा साहब शेरकोट से आए थे, उन्होंने सोसाइटी के फ़राइज अंजाम दिए और उसके बाद खिताबत आली जनाब मौलाना बिहारी सादात से तशरीफ आए थे, उन्होंने खिताबत के अंजाम दिए और इस शिकेदारी की जो निज़ामत कर रहे हैं वो सिसी के मेहमान हमारे फैमर नफी साहब वो निज़ामत कर रहे हैं और अभी मुकामी परचम इस्लाम जो आज़ाद नगर के अंजुमन है उसे सबसे पहले इमाम मेहंदी यूथ मिशन के लड़कों ने जो यूथ में हैं सादिक और वसीहत, इन दोनों ने मिलकर इमाम की बारगाह में ताज़ियत पेश की नौहा पढ़कर। उसके बाद अंजुमन परचम इस्लाम जो मकामी अंजुमन है उसने नौहा खानी और सीना जनी भरपा करके ताज़ियत पेश की और उसके बाद लगातार सिलसिला जारी है मकामी और बैरूनी अंजुमन का। इस वक्त सिरसी की अंजुमन मातम बरपा कर रही है, ये सिलसिला काफ़ी देर रात तक चलता रहेगा। शब बेदारी और मजलिस अज़ा के इंतजाम एहतमाम में ख़ास तौर से इमाम मेहंदी यूथ मिशन के अहदेदारान व मेम्बरान पेश रहे।